हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल लिटरेचर चैनल। आज हम आपको बताएंगे 8 क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट पब्लिश हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का आपका अंक पत्रों में गलती हो गए थे। किसी का नाम गलती था, किसी का पिताजी का नाम गलती था, किसी का ऐसे तो आपका डेट ऑफ बर्थ में गलती था, और किसी किसी का इतना तक देखा गया था कि स्कूल का जो कैरेक्टर है, मैंने अक्षर है, कुछ अक्षर में गलती था, एरर था। तो उन सब के बारे में सुधार करने के लिए एक बहुत मतलब न्यूज़ दिया गया है, और इसमें छः आपका छः में उसी को भी उसको जमा करना भरना मैंने भर के देना पड़ेगा, और ये हेडमास्टर देंगे। और स्टूडेंट को भी क्या करना है, इसका तीन फॉर्मेट है, उसी के साथ साथ कहाँ पे आपको जमा करना है, कैसे भरना है, तो ये सारे डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं कि ये एक एजुकेशनल चैनल है। इसमें आपको मैट्रिक, इंटर और 9th 8th का भी बोर्ड एग्ज़ाम का भी इसमें तैयारी किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें मैट्रिक और इंटर के गेस इंपॉर्टेंट गेस किया जाता है, और बहुत बेहतरीन ढंग से किया जाता है, ये आते भी हैं, और पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पढ़ के हम सुनाएंगे फटाफट क्या इसमें ये है। तो यहाँ लिखा गया है कि जैक कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में 2019 के अंक पत्रों में सुधार हेतु आवश्यक सूचना, यह सुधार करने के लिए आवश्यक सूचना। यहाँ पे लिखा गया है कि झारखंड अवधि प्रसिद्ध जैक रांची द्वारा आयोजित कक्षा 8 की बोर्ड एग्जाम 2019 रिजल्ट प्रसिद्ध द्वारा 16 अप्रैल को जारी कर दिया गया है, यानी 16 अप्रैल को जारी किया गया है। परंतु कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी तथा सुधार से संबंधित झारखंड अवधि प्रसिद्ध रांची द्वारा विज्ञापन संख्या 34/2019 द्वारा आवश्यक सूचना जारी कर दिया गया है, यानी जो उसका विज्ञापन पत्र था उसमें इतना 34 नंबर पत्रों में वो जारी किए हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद फिर क्या न्यूज़ है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि झारखंड अवधि प्रसिद्ध रांची द्वारा कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में 2019 से संबंधित सभी परीक्षार्थियों तथा उनके अभिभावकों और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को सूचित किया गया है कि कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा फल झारखंड अवधि प्रसिद्ध के अधिकारी वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, परंतु परीक्षार्थी का नाम, जिनका नाम तथा पिता का नाम में त्रुटि शोधन के लिए प्रसिद्ध द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है, जिसको आप DEO बोलते हैं। परीक्षार्थी जिनका अंक पत्रों में त्रुटि हो वे अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करने अपना त्रुटि का विवरण दे सकते हैं, यानी जिसका भी त्रुटि हुए हैं वो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हेडमास्टर से मिलने के बाद वो अपना क्या करेंगे, वो त्रुटि का विवरण देंगे कि क्या उसका गलती है, क्या उसका होना चाहिए था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि कक्षा 8 बोर्ड की मार्कशीट में सुधार हेतु परीक्षार्थी को कक्षा 8 की अंक पत्रों में अंक पत्रों त्रुटियों के सुधार के लिए निम्नलिखित त्रुटियों संशोधन प्रपत्र को भरने अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क करना होगा, यानी तीन तरह का इसमें आपका प्रपत्र दिया गया है, फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी। तो जिसका जैसा गलती होगा उसको सब फॉर्मेट भर के आपको हेडमास्टर के संपर्क में उसको हेडमास्टर का सिग्नेचर रजिस्टर करके उस हेडमास्टर जमा करेंगे BO के पास, ये हेडमास्टर का दायित्व तो बनता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये वीडियो हेडमास्टर के लिए बहुत यूज़फुल होगा, या जो लोग हेडमास्टर हैं या जो लोग टीचर हैं उन लोगों के लिए, और इस वीडियो को इतना फैला दें कि किसी का जिसका भी गलती हो तो उसका गलती वो जान पाए कि इसका सुधार होगा और कैसे होगा। इसलिए आप लोगों से हम उम्मीद रखेंगे कि वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए हम अब फिर फॉर्मेट ए और फॉर्मेट बी में क्या क्या है उसके बारे में हम बता। फॉर्मेट ए जो है आपका, फॉर्मेट ए में बताया गया है कि प्रपत्र संबंधित जानकारी, वैसे विद्यार्थी जिनका कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा में अंक पत्रों में नाम तथा पिता के नाम में त्रुटि सुधार करना हो, वैसे विद्यार्थी फॉर्मेट ए पत्रों में दिए गए सभी सूचनाओं को इंग्लिश कैपिटल लेटर में भर के अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संपर्क करना होगा, अन्यथा फॉर्म अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी हेडमास्टर का सिग्नेचर होना जरूरी है, और हेडमास्टर ही उसको ये करेगा, जिम्मेवारी लेगा, और उसमें जो भी अक्षर आप डालेगा अंग्रेजी का कैपिटल लेटर में डालना होगा, और नाम और पिताजी का नाम किस रूप मतलब सुधार करने के लिए आपको फॉर्मेट ए भरना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं फॉर्मेट बी में क्या बताया जा रहा है। फॉर्मेट बी जो है आपका, फॉर्मेट बी में बताया रहा है कि वैसे विद्यार्थी जिनका कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा सफल प्रसिद्ध के परीक्षा फल प्रसिद्ध के वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी कोई विद्यार्थी देखने को मिला है कि जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं है, या उसका फेल मार्जिन भी नहीं दिख रहा है, पास भी नहीं दिख रहा है, उसका रिजल्ट ही और मतलब ऑप्शन दिख रहा है, तो वैसे विद्यार्थी का नाम प्रकाशित
फल में सम्मिलित है तो फॉर्मेट बी में दिए गए सभी सूचनाओं को इंग्लिश कैपिटल लेटर में भरकर अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक का संपर्क करेंगे, क्योंकि जिसका अगर रिजल्ट पब्लिश ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसका फेल भी नहीं दिख रहा है कि रिजल्ट की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आ रहा है, तो उसको फॉर्मेट बी भरना पड़ेगा। अब हम देखेंगे फॉर्मेट सी किसको भरना पड़ेगा। तो फॉर्मेट सी प्रमाण पत्रों से संबंधित जानकारी वैसे विद्यार्थी जिनका कक्षा 8वीं के परीक्षा परीक्षार्थियों के परीक्षा फल में विद्यालय के नाम में ही किसी प्रकार का अल्फाबेट इरर हो, यानी अल्फाबेट में किसी प्रकार का गलती हो, ठीक है। तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक फॉर्मेट सी में दिए गए सभी सूचनाओं को अंग्रेजी कैपिटल लेटर में लेटर से डाटा को भरकर डीईओ ऑफिस में जमा करना होगा, यानी डीओ ऑफिस में जमा करेंगे यदि स्कूल के नाम में कोई गलती आए हैं तो। अब इसमें हम महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बता दें। महत्वपूर्ण तिथि जो है विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सभी प्रपत्रों को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 6/5/2019 तक जमा करना होगा, यानी 6 तारीख से पहले ही इसको जमा कर देना होगा, यानी 6 तारीख को आपको जमा करना जरूरी है, या 6 तारीख के बाद फिर होगा तो इसमें फिर नहीं होगा। तो इसलिए जिन लोग वो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हम इतना सजेस्टेड करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जिन लोगों का गलती है या सभी हेडमास्टर तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये खबर नहीं पहुँचती है तो फिर दिक्कत होगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फिर ये क्या होगा कि टीचर लोगों को तो सूचना दिया ही जाएगा, क्योंकि ये बीओ का पास ये निर्देश आए हैं। फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग स्टूडेंट भी है या कोई गार्जियन ऐसे नहीं जानते हैं, तो अभी नेट के युग है, तो आप लोगों का थोड़ा सा शेयर कर देंगे तो उन लोगों को हेल्प हो जाएगा। तो इस वीडियो में ही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तब तक बने रहिए, और जो लोग वीडियो देखें उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।